सभी लोग आप लोगों को अच्छे अच्छे बोल रही है, बट मैंने जब काम किया तो अंदर ले आने के टाइम कोई कोई एरिया पे कट गई, इनकी प्रॉब्लम हुआ, इस मनी भी मैं बचा लिया आप लोगों की। गाइज दिस इज मोमिता, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज एक्सपेरिमेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइज आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ जो मैं पीवीसी वॉलपेपर ले आया था एंड मेरी वॉल पे मैं लगाया एंड मैं आप लोगों को मैं दिखाया एंड बहुत ही अच्छे से वो सेट हो गई। एंड ये वाला जो पीवीसी वॉलपेपर है गाइज, ये है 3D स्ट्रक्चर की, ये भी वीडियो में डाल के रखा, आप लोग देख सकती हो, तो ये भी बहुत ही अच्छे से काम किया। आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वो जो वॉलपेपर है गाइज, वो वॉलपेपर को मेरे एक बुक सेल्फ है उस पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ, क्या काम करती है, अच्छी इससे करती है कि नहीं है, क्योंकि गाइज ढेर सारा वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे जो लोगों ने बहुत ही आराम से वो लगाया एंड सभी लोग ये रिव्यू दे रही है बहुत ही अच्छे से हो रही है, कलर से भी अच्छी है, सस्ती है एंड इफेक्टिव भी है, ये इतनी सारे कमेंट ढल के रखा है, इसलिए मैं भी सोचा मेरी जो बुक सेल्फ है उस पर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी, क्या सच में इतनी अच्छी है, क्या सच में इतनी अच्छी काम करती है। तो गाइज आज के वाला वीडियो में मैं ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ एंड आप लोगों को सब कुछ डिटेल में दिखाने वाला हूँ एंड बताने भी वाला हूँ, क्या सच में इतनी काम कर रही है कि नहीं है, क्या हम लोग कलर करेंगे, क्या वॉलपेपर को लगाएंगे, सब कुछ मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ एंड इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना पड़ेंगे। एंड जो लोग अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ये वाला जो वॉलपेपर है इसकी रिव्यू एंड साथ में मैं पीवीसी वॉलपेपर की भी रिव्यू करके दिखाया, वो दोनों वीडियो आप लोग भी देख सकती हो, आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएंगे एंड हेल्पफुल होगा। तो आज के वाला वीडियो मस्ट देखना, क्योंकि गाइस ऑनेस्ट मैं बताने वाला हूँ। गाइज ये है मेरे बुक सेल्फ जो पूरा की वुड की है, वुड स्ट्रक्चर की है, वुड से मैं बनाया एंड इसके बाद इसके ऊपर मैं वॉलपेपर लगाने वाला हूँ। तो पहले आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ, इसके बाद मैं डिटेल से आप लोगों को एक एक बात बताने वाला हूँ, इसलिए गाइज लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ये वॉलपेपर लगाने के टाइम बहुत कुछ हुआ है जो मैं आप लोगों को अभी फिलहाल बताने वाला हूँ, तो इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। पहले बात तो मैं बोल देती हूँ गाइज, ये है वॉलपेपर, ओके, तो ये खास वॉल के लिए ही बना है। पिछले वाला वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताया था जो वॉल पुट्टी की वॉल है गाइज, वो वाला वॉल पे बहुत ही अच्छे से ये वाला पेपर एडजस्ट होती है, ओके, एंड जो थोड़ी थोड़ी रफनेस वाला जो वॉल होती है उस पर भी अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि गाइज मेरे वॉल थोड़ी रफनेस है एंड बहुत ही अच्छे से एडजस्ट होगी, बट जो रफनेस वाला वॉल है उस पर तो नहीं होने वाला है। वो वाला वॉल पे आप लोग जबरदस्ती करके लगा सकते हो बट ज्यादा दिन वो वाला वॉल पेपर टिकने नहीं वाला, ओके, तो वो फाट जाएंगे एंड प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसके बाद आप लोगों को दो नंबर पॉइंट पे बोलती हूँ, जो बुक सेल्फ है ये है वुड, वुड के ऊपर अच्छे से एडजस्ट तब होगा जब बहुत ही अच्छे से ये वाला जो वुड की जो बुक सेल्फ है कोई भी है बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको पॉलिश करेंगे, इसके बाद लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से होने वाला है। फिर भी दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम नंबर वन ये है गाइस, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो रही है, प्राइस के हिसाब से कम लो ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि गाइस ये जो बुक सेल्फ है गाइस, ये वाला बुक सेल्फ पे मेरे दो वॉलपेपर लगा, जो वॉलपेपर की लेंथ है गाइस 45x500 cm, तो फिर भी मेरे बुक सेल्फ पे दोनों से नहीं हुआ, बहुत सारे एरिया है जो कम्प्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस पे और भी एक चाहिए इसके बाद कम्प्लीट होगा, इसलिए कॉस्टली बहुत ही ज्यादा पड़ रही है काम के हिसाब से। दो नंबर पॉइंट है गाइस, ये थोड़ी सी खर्च आ रही है तो ये टूट रही है, कोई भी चीज से लग गई तो ये टूट रही है, निकल रही है, तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो इसको अंदर ले आने के टाइम थोड़ी सी लगने के वजह से कितनी प्रॉब्लम हुआ है, कोई कोई एरिया पे काट गई, नष्ट हो गई है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा लगा, प्राइस से भी ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने इसको लगाया, इसके बाद रूम के अंदर ले आया, ये लेने आने के टाइम पे इतनी खराब हो गई एंड ये जो प्राइस मिला दोनों मिलकर मेरे को 300 पड़ी है, 300 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पड़ गई, बट काम बहुत ही बेकार है। और भी प्रॉब्लम है गाइस, कलर लगाने के बाद ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी आप लोगों को मेरे को लगता है, एंड कलर करने के टाइम इतनी ज्यादा तो टाइम नहीं लगेंगे। नेक्स्ट गाइस वॉलपेपर लगाने के टाइम आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेंगे, बहुत ही टाइम भी लगने वाला है, बट आप कलर करने के टाइम इतनी ज्यादा नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं कलर किया इसलिए मेरे को आइडिया है, इतनी तो प्रॉब्लम फेस नहीं किया, एंड ब्रश लिया इसके बाद बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर दिया होगी बस, बट यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी एरिया पे आपको ध्यान रखना पड़ेंगे, कट करना पड़ेंगे एंड गाइस बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेंगे, थोड़ा भी इधर उधर हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट 300 रुपया में आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी की अच्छे ब्रांड की कलर मिल जाएंगे, इससे भी कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएंगे एंड उससे बहुत ही अच्छे से मेरी जो बुक सेल्फ है
इतनी सारी कोई भी आप लोगों को हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे वो कलर से। गाइज आप लोग मेरे ये वाला जो कलर है एशियन पेंट की, एंड इसकी जो प्राइस है गाइज 290 baht मेरे को पड़ी थी, 250 के अराउंड हो जाएंगे। एंड इसमें जो कलर है ये है 500 ml की। आपकी एक नहीं दो बुक सेल्फ इतनी बड़ी कलर हो जाएंगे, एंड बहुत ही अच्छे से कलर हो जाएंगे ये वाला कलर से। इसलिए गाइज एक तो आपको बहुत ही ज्यादा मनी खर्च करना पड़ रही है, दो आपकी बहुत ही ज्यादा टाइम खर्च हो रही है, थ्री मनी एंड टाइम खर्च करने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी भी लग गई तो ये वाला जो स्टिकर है, सॉरी ये नहीं है वो वाला जो स्टिकर है, वो स्टिकर निकल रही है। तो बहुत ही बेकार आइडिया मैं बोलूंगी। बट गाइज इसके अल्टरनेटिव यही मैं सजेशन करूंगी आप लोगों को, आप लोग कलर यूज करना, क्योंकि कलर ऑल टाइम सेम टू सेम रहने वाला है, एंड गिरा दो कुछ भी कर दो गाइज वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके कलर बहुत ही अच्छी आइडिया है, कलर ही करना, स्टिकर मत लगाना। ओके क्योंकि गाइज ये वाल पेपर है, वाल के लिए मत ये करना, क्योंकि गाइज यूट्यूब में भरी पड़ी है ये वाला जो वीडियो है। अब सभी लोग आप लोगों को अच्छे अच्छे बोल रही है, बट मैं जब काम किया उसके टाइम मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं सोचा डिटेल से आप लोगों को मैं बताऊँ। एक तो आपको टाइम बचेंगे, दो मनी भी बचेंगे, एंड तीन बहुत ही अच्छे फिनिशिंग आने वाला है, कोई भी उठकी मटेरियल होना क्यों। आई होप आज के वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ है आप लोगों को, मनी भी मैं बचा लिया, आप लोगों की टाइम भी मैं बचा लिया। तो गाइज लाइक तो एक बनती है आज के वाला वीडियो के लिए, तो चलिए आज के वाला वीडियो यही तक, एंड इतनी सारे बात जो लोग अभी तक एक एक करके आप लोग सुन रही हो थैंक यू सो मच, क्योंकि गाइज बहुत ही ज़्यादा बोलना पड़ी है मेरे को, एंड आप लोग ध्यान से वो सब सुना भी, बट फॉलो करना आप लोगों की मनी एंड टाइम दोनों बच जाएंगे, एंड गाइज तब ये वाला वीडियो की काम आएंगे। ओके गाइज तो आज के वाला वीडियो कैसा लगा है मस्ट कमेंट करना, एंड अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एंड गाइज जो लोग अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गाइज मैं मेरे चैनल पे बहुत ही सारा आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पेंटिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ, एंड ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को देती हूँ क्या अच्छी है क्या बुरी है, मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस हुआ है, क्या आप लोग यूज कर सकती हो, एडिटिंग वगैरह वगैरह, तो सब कुछ मैं मेरे चैनल पे डाल के रखा हूँ एंड शेयर भी करती हूँ, एंड गाइस फ्यूचर में भी करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नए वाला इंटरेस्टिंग पेंटिंग वीडियो कोई भी वीडियो लेकर, तब तक के लिए हेल्दी रहना स्वस्थ रहना, बाय।